अच्छी तरह से ज़रूर मिलाएं। तो शुरुआत करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस दोस्तों, जिस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, ठीक उसी प्रकार से ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दूसरा प्रकार, तीन टेंस प्रकार के जो होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनमें से ये दूसरा प्रकार है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में हम बात करेंगे शुरुआत के अंदर। जैसे हम देखते आ रहे थे कि सबसे पहले इस टेंस की पहचान होता है कि कैसे पहचान की जाती है। पहचान करने के बाद में हम सामान्यतः उसकी इंग्लिश आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके अंदर इसकी हिंदी पहचान की। सबसे पहले इसकी हिंदी पहचान जो होगी, जिस प्रकार हमने पहले वाले टेंसों के अंदर सबकी हिंदी पहचान देखी, ठीक इसी प्रकार इसके अंदर भी हम सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान देखेंगे। तो सामान्यतः पास्ट टेंस की हिंदी पहचान क्या है, क्या लगते हैं इसके अंत में? था, थी, थे। पास्ट सिंपल के अंदर हमने बात की थी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंतिम अक्षर था, थी, थे, यदि ये आ जाते हैं तो वो पास्ट टेंस है, यानी कि गुजरा हुआ समय, यानी कि जो कार्य हो गया। तो इसके अंदर भी यही है, इसकी पहचान ये होगी, रहा था, रही थी, रहे थे। इस प्रकार से ये इसकी हिंदी पहचान होगी, रहा था, रही थी, रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान है। अगर हम इस टेंस को आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो हम हिंदी वाक्यों के अंतिम अक्षर ही देख पाएंगे कि हिंदी वाक्यों के अंतिम अक्षर क्या मिलते हैं। तो हिंदी वाक्यों के अंतिम अक्षर, जैसे वह बाजार जा रहा था, तो रहा था यानी कि इसके अंत में क्या आ गया, रहा था। तो जिन वाक्यों के अंतिम अक्षर रहा था, रही थी, रहे थे, ये आ जाता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और अगर टेंस की पहचान कर ली हमने, तो टेंस की पहचान करने के बाद हम सामान्यतः जो वाक्य सूत्र होते हैं, वाक्य सूत्र की सहायता से आसानी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके आगे बढ़कर हम, कि हिंदी पहचान तो हमने देख ली कि हिंदी पहचान क्या थी। इसके बाद में मैं बात करूँगा इनके वाक्य सूत्रों की। तो इनके वाक्य सूत्र क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको पिछले टेंसों के अंदर बताया कि हमने इन सेंटेंस को पांच भागों में बांटा है, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो सबसे लास्ट में हम इसको समझते हैं, जिसके अंदर WH शब्द आगे आ जाते हैं। एफर्मेटिव सामान्य सेंटेंस, जो सकारात्मक जो सेंटेंस होता है वो एक सिंपल सामान्य सेंटेंस होगा, जैसे वह गाना गा रहा था, ये एक सामान्यतः एफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर मैं इसका नेगेटिव बनूँ तो वह गाना नहीं गा रहा था, सामान्यतः ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं बात करूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो क्या वह गाना गा रहा था, अगर इसके इंटरोगेटिव में नेगेटिव की बात करूं तो क्या वह गाना नहीं गा रहा था, ये चार प्रकार के। अब मैं कंपाउंड इंटरोगेटिव की बात करूं तो वह गाना क्यों गा रहा था, या कैसे गा रहा था, या कहाँ गा रहा था। तो इस प्रकार से जो डब्ल्यू एस शब्द होते हैं वो हिंदी वाक्यों के बीच में आ जाते हैं। तो सामान्यतः जो डब्ल्यू एस शब्द है वो हिंदी वाक्यों के यदि बीच में मिले तो वो कंपाउंड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जिसके अंदर जिसकी इंग्लिश बनाते समय वो डब्ल्यू एस शब्द है वो आगे आ जाएंगे। तो अभी मैं वाक्य सूत्र की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं वाक्य सूत्र एफर्मेटिव का लिखता हूँ, जिसके अंदर इसका वाक्य सूत्र होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्क प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका वाक्य सूत्र माना जाता है सामान्यतः। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्क प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। शुरुआत में शुरुआत जो होती है वो सब्जेक्ट से होती है, सब्जेक्ट के बाद में इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी वो वाज वर्क लगेगी, और वाज वर्क के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पश्चात ING लगता है क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, ING फॉर्म लगेगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी अगर प्लस आया है तो प्लस, और अगर प्लस नहीं है तो टाइम जो भी आया है वो अदर इसके बाद में लग जाते हैं। तो सामान्यतः ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर मैं इसको नेगेटिव में बदलूँ, इसका नेगेटिव बनाऊँ, तो सामान्यतः नेगेटिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब हैं
वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नॉट का प्रयोग हो जाता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो वाज वर्ब के बाद में यदि नॉट लगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं इंटरोगेटिव की बात करूँ तो इंटरोगेटिव के अंदर ये नॉट नहीं लगते हैं और इंटरोगेटिव की शुरुआत होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं वाज या वर्ब ये आगे आ जाती है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्बें आ जाएगी। तो इसका वाक्य सूत्र जो बन जाता है वो बन जाता है वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो आगे आ जाएगी और उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसके अंदर हेल्पिंग वर्बें आगे रहती है। अब मैं बात करता हूँ इंटरोगेटिव में नेगेटिव की, तो वही फिर से नॉट लग जाएगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब आगे हैं लेकिन सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये इंटरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है। अगर खाली इंटरोगेटिव है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरोगेटिव सेंटेंस की। कंपाउंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? कंपाउंड इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आगे रहती है लेकिन इसमें एक और फर्क है कि डब्ल्यू एस शब्द भी आगे आ जाते हैं। तो शुरुआत में जो डब्ल्यू एस शब्द है वो शुरुआत में रहेंगे, उसके बाद में वाज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो जो शुरुआत होती है वो डब्ल्यू एस शब्दों से होती है और वाज वर्ब का प्रयोग उसके बाद में होता है। तो शुरुआत डब्ल्यू एस शब्द के करने के बाद में हम वाज वर्ब लगाएंगे, यानी कि डब्ल्यू एस शब्द प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि शुरुआत हुई है वो डब्ल्यू एच शब्द से हुई है। डब्ल्यू एस शब्द कौन से, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब डब्ल्यू एस शब्द है, यानी कि जो डब्ल्यू और एच से शुरू होते हैं। सामान्यतः इसका उदाहरण हम देख लेते हैं कंपाउंड इंटरोगेटिव का। वह बाजार क्यों जा रहा था, तो ये जो बीच में क्यों आया है ये डब्ल्यू एस शब्द है, इसको हम आगे लाएंगे। अंग्रेजी में जब इसका रूपांतरण करेंगे तो ये जो डब्ल्यू एस शब्द क्यों आया था, जिसका अंग्रेजी होता है वाई, ये वाई सबसे आगे आ जाएगा और वाई आगे आने के बाद में ये वाज वर्ब का प्रयोग होगा। तो सामान्यतः इसका वाक्य सूत्र बनेगा डब्ल्यू एस शब्द प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी प्लस प्लस टाइम जो भी आता है वो इस प्रकार से हो जाते हैं। तो सामान्यतः ये हैं वाक्य सूत्र जो हमने डिस्कस किए। अब मैं बात करता हूँ रूल्स की, नियम। नियम नियम वैसे इसके अंदर कुछ खास नहीं है। दो हेल्पिंग वर्ब हैं वाज या वर, क्योंकि सब्जेक्ट हमें सेंटेंस में से हिंदी सेंटेंस में से ही मिलेगा, ऑब्जेक्ट भी हमें हिंदी सेंटेंस में से मिलता है, वर्ब हमें हिंदी सेंटेंस में मिलती है। तो बचा इसमें क्या, वो है हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, जो कैसे यूज़ होती है आपने पिछले वीडियो के अंदर सब टेंसों में देखा होगा कि जो भी हेल्पिंग वर्ब हैं कैसे यूज़ हो रही है। तो इसके अंदर भी जो सिंगुलर कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हम वाज का प्रयोग करेंगे और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर कर्ता उसके साथ में वाज का प्रयोग हुआ और प्लूरल कर्ता यानी बहुवचन जो है बहुवचन के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर।